मित्रों नमस्कार, रौनक इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं विंडो अपडेट, विंडो 7 का अपडेट बंद करने के लिए। काफ़ी समस्याएं आती हैं कि विंडो चालू हुआ है, अपडेट चालू है, तो चलते चलते ऑटोमेटिक वो परसेंटेज चलने लगता है, तो उसके लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं। इसमें हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि विंडो का अपडेट बंद कैसे करते हैं। विंडो 7 का है फीचर्स, ये विंडो 7 के लिए है कि उसका विंडो अपडेट कैसे बंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको हम आगे बताते हैं कैसे विंडो अपडेट बंद करना है। ध्यान से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और निरंतर आपको ऐसी वीडियो और कंप्यूटर से संबंधित कोई भी समस्याएं संबंधित आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ये वीडियो को आगे हम शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो में। स्टार्ट बटन में आप क्लिक कर लीजिए, राइट हैंडल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक हो जाएगा तो कभी कभी ये सारे फीचर्स दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं, तो वो चीज़ का ध्यान दीजिए। ऐसे भी दिखता है कभी कभी, है ना, तो इसको आप कैटेगरी में जाके लार्ज आइकन कर लीजिए। देखिए सबसे नीचे आपको मिलेगा विंडो अपडेट का ऑप्शन, ये विंडो अपडेट, इसमें टिक करेंगे डबल क्लिक। देखिए चेकिंग फॉर अपडेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में चेंज सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, उसमें आप क्लिक कर लीजिए। हरा टिक लगा हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे। नीचे नेवर नेवर चेक करके ये दोनों जगह पे आपको टिक करने हैं, ओके कर देना। इसके बाद ऊपर साइड देखेंगे ऑल कंट्रोल पैनल आइटम दिख रहा, दोबारा से जाएंगे विंडो फायरवॉल में, वहाँ से चेंज सेटिंग कर देंगे नोटिफिकेशन, और ये लाल लाल जो है ना क्रॉस लगा, उसमें दोनों में टिक करना है आपको, ओके कर दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। ये आपका विंडो अपडेट विंडो 7 के लिए बंद हो चुका है। अब भविष्य में आपका कोई भी विंडो 7 से संबंधित अपडेट नहीं आएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।